अस्सलाम वालेकुम जी, वेखो पंजाब चैनल ते जीआं नूं अज वेखो शाम दा नज़ारा माशाल्लाह। सोचा कि तुहानूं इह वी थोड़ा जिहा रहना माहौल विखाया जाए। तो अज दा नुस्खा है जी कि जिहड़े बच्चों नूं सोकड़ा हो गया उह आराम नहीं आउंदा, बड़ियां दवाइयां लईआं, बड़े टूने कीते, बड़ा कुछ कीता, तवी धागे जे वो दम दरुद बड़ा कराया, नहीं अफाका हो रहा। वो बच्चे दी दिन ब दिन सेहत जिहड़ी उह गिरदी जा रही है, तो सेहतमंद नहीं हो रहा बच्चे नूं, सोकड़े दा मसला है। तो वह टोटका चाचे होर को जोड़ा कि इन्होंने अपनी अखियों वेख्या से, वह की है चाचा सुनाओ जरा दसो हाँ कि पिंड का वाकया। वह भाग का वाकया योगी ही, उन्होंने काके ही तो सुकती जाती, सुकती सुकती बिल्कुल है कोई 10 साल आगे। अच्छा, बड़ी सुकड़ा लगा है, फिर उन्होंने नुहालिया ही रिछते बाल के। अच्छा, जो रिछते बाल के नुहालिया ही ना, वो पानी सुटिया है, तो फिर दिनों दिन बढ़ती जाती, फिर क्या मोटी हो गई हो। बड़ी मन गया बड़ा औखा, मन पैसे दिते। अच्छा जी, नहीं मिले यानी कि तुहाडा मकसद है कि रेछ दे उत्ते अगर नवाया जाए तो यह भी टूना लोग पहले जमाने ही करते रहे। बड़ा टूना ही है, पक्का गए, पक्का टूना है। अगर चाचे होर ने दसिया ही ना कि वह सप्प मार के, तो वो उत्ते भी अगर नवाया जाए वह भी ठीक है। तो चाचे होर ने दसिया कि यह तो इन्होंने अपनी अखी वेख्या वाकई। अच्छा, हाँ अखी वेख्या ही, ओही जोगी गणी जोगी है ना, ओदी कुड़ी। फिर ठीक हो गई बिल्कुल, बड़ी मोटी हो गई, एड्डी मोटी हो, यानी कि कोई दवाई शवाई कोई नहीं खाती, बैठा के नवाया ही नवा लिया है। चल आप ने करम कर दिया, करम किया है, बड़ी मोटी कुड़ी हो, बड़ी जवान हो गई। लो जी, यही नुस्खा एक टूना सी कि जो चाचे होर ने अपनी अखी वेखिया कि वह बच्ची जी है ना, वह समझो कि एंड होया, मंजी नाल लग गई सी, नहीं सी कितों भी आराम आया। तो फिर वो किसी सियाने दस्या कि इनू रिछ ते बिठा के नवाओ तो ठीक हो जाएगा सोकड़ा इहदा। फिर उन्होंने इसे तरह किया, रिछ वाला नहीं सी मानदा, उन्होंने पैसे पूसे दे के तो उन्होंने नवा लई, तो वह घर आँदी। फिर वो दिन गुजरते गए तो बच्ची जी सेहतमंद होंगी गई, तो अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक हो गई। है एक नुस्खा जो शेयर किया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। साढ़े चैनल वेखो पंजाब में सबसक्राइब करके मुफ्तान दो, ताकि असं अज के सादा नुस्खे थोड़े तक पहुँचाते रहिए। तो दियो इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, रब राखा जी।